आप जब भी मार्केट से बहुत ताजे ताजे फल और सब्जियां लेकर घर में आते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले उनको धोते हो, अच्छी तरह से सुखाते हो और उसके बाद उनको फ्रिज में रख देते हो, ठीक है, ताकि आप उनको सही ढंग से प्रयोग कर सके। पर लेकिन अगर आपका फ्रिज गंदा है तो क्या होगा? उन अच्छे अच्छे ताजे ताजे फल सब्जियों का वो खराब हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा शरीर, हम जितने मर्जी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस डालते जाएं अपने अंदर, वो तब तक हमारे शरीर को अच्छे प्रकार से नहीं लगेंगे जब तक हमारा शरीर अंदर से साफ नहीं है। आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइजेस का सेट लेकर आई हूं जिससे आप अपने शरीर को अंदर से साफ कर पाएंगे, डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। ये सेशन हमने अपने योगा सेंटर में लाइव रिकॉर्ड किया है। ये एक्सरसाइजेस का वो सेट है जिसको करने से आप अपने शरीर के जमे हुए मल को भी तोड़ देंगे। साथ में पानी का अत्यधिक सेवन करें और पानी अगर गुनगुना होगा तो वो जमा हुआ मल भी आपका बाहर निकल जाएगा। तो आइए इन एक्सरसाइजेस का अभ्यास साथ साथ करते हैं और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सबसे पहले आप अपनी लेग्स ओपन करके बैठ जाएंगे। लेफ्ट हैंड राइट फुट को और राइट हैंड लेफ्ट फुट को टच करेगा। यस, आप इसी प्रकार से चलते जाएंगे, करते जाएंगे। बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को एक मधानी की तरह इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ में आप भी करते जाइए, कम से कम 20 काउंट देंगे। अब नेक्स्ट में आपने अपना एक हाथ सेंटर में और दूसरा हाथ कान के ऊपर से लाके ऑपोजिट पैर को टच करना है। जितना हाथ कान के ऊपर से जाएगा उतना अच्छा ट्विस्ट मिलेगा आपके इंटेस्टाइन को। करते जाना है आपने हमारे साथ साथ। स्पीड आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलेगी। आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। 20 काउंट देने हैं इसमें भी आपने। अब आराम से अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रख लीजिए। बिल्कुल साइड स्ट्रेच करते हुए आपने कोहनी को जमीन पे लगाना है। इस एक्सरसाइज में भी आपने 20 काउंट करने हैं। स्पीड आपके अकॉर्डिंग ही रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही रहेगी। बस फॉरवर्ड बेंडिंग ना दे, आगे की तरफ ना झुके। बहुत बढ़िया। अब आपने सेम एक्सरसाइज क्रॉस करके करनी है, यानी राइट एल्बो लेफ्ट नी को टच करेगा और लेफ्ट एल्बो राइट नी को। इंटेस्टाइन आपका बिल्कुल टर्न हो जाएगा, मल आपका टूटेगा, जमा हुआ मल टूटेगा। दोनों हाथों को ग्रिप करके ऊपर ले जाइए, स्पाइन को खींचिए, अच्छे से खींचिए स्पाइन को। अब साइड स्ट्रेच, पूरा आपने अपने साइड पर स्किन को बिल्कुल स्ट्रेच कर देना है। एक साइड से स्किन बिल्कुल स्ट्रेच होगी और दूसरी साइड से पूरा दबाव पड़ेगा आपका, आपकी किडनीज पे। बहुत बढ़िया। इसके भी आपने 20 काउंट देने हैं। इस एक्सरसाइज में आपने दोनों हाथ अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड कमर के पास लगाने हैं। अपने इंटेस्टाइन को पूरी तरह से ट्विस्ट करते हुए, टर्न करते हुए, जितना हो सके टर्न कीजिए अपने बटक्स को उठाए बिना। डीप मल आपका टूटेगा। बहुत बढ़िया। अब आपने दोनों हाथों को ग्रिप करके दोनों पैरों को कवर करते हुए बड़ा सा सर्कल लगाना है। ये भी आपने 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम
एंटी क्लॉकवाइज करना है। आगे की तरफ बॉडी को जितना स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के पश्चात आपने राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सेमी सर्कल भी कवर करना है सेम एक्सरसाइज में। अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आप करते जाइए, गति अपने अकॉर्डिंग रखिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस एक्सरसाइज में आपने दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ सर्कल बनाना है और इसमें गति का प्रयोग करना है। और सेम एक्सरसाइज आपने ऑपोजिट भी चलना है। जितना हो सके आगे की तरफ स्विंग दीजिए और जितना एक्सहेल करते जाएंगे, फूंक मारते जाएंगे, उतना बेहतर होता जाएगा। चलिए, अब आपने अपने दोनों टांगों को जोड़ लेना है, दोनों हाथों को ग्रिप करके ऊपर ले जाइए। स्पाइन को बिल्कुल सीधा कीजिए, ऊपर की तरफ खींचिए। अब सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। चलिए, अब आपने इसी पोजीशन में टर्निंग देनी है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। ये टर्निंग भी 20 टाइम आपने देनी है। बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं कि आपके सारे ऑर्गन्स ट्विस्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने दोनों हाथों को अपनी कमर के दाएं बाएं रखते हुए जितना हो सके झुकना है। आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपकी किडनीज, ये सब डिटॉक्सिफाई होते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि गुनगुने पानी का सेवन करना है, तो जो मल टूटा है वो आपका थ्रू स्टूल बाहर निकल जाएगा। चलिए, इस एक्सरसाइज में आपने अपने इंटेस्टाइन को नीचे से पूरी तरह से टर्न और ट्विस्ट करना है। आपका राइट फुट लेफ्ट साइड पर मैक्सिमम टच करेगा और लेफ्ट फुट राइट साइड पर मैक्सिमम टच करेगा। हर प्रकार से हम अपने इंटेस्टाइन के मल को तोड़ेंगे। बहुत बेहतर, परफेक्ट। 20 काउंट्स देने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इन एक्सरसाइजेस का अभ्यास हमारे साथ साथ किया होगा और अपने अंदर से मल को भी खूब निकाला होगा। अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं, तो कृपया इनका अभ्यास कीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कृपया मुझे कमेंट्स में वो प्रश्न लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों में ये जागरूकता ला पाए कि हमें अपने अंदर को साफ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।